नमस्ते बुआ। कितने सालों के बाद आया है? आजा। कोई परेशानी तो नहीं हुई रास्ते में? नहीं नहीं बुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। बैठ बैठ। अच्छा हुआ तू आ गया। प्रिया को कब से कह रही थी तुझे भेजने के लिए। आईआईटी की वर्ल्ड क्लास तैयारी जो होती है यहाँ पे, हमारे खानदान में कोई इंजीनियर ही नहीं बन पाया आज तक। तू पहला है जो बनेगा। एंट्रेंस क्लियर करना भी तो टफ है। तो तू कौन सा कम है? तू सब कर लेगा बेटा, मुझे मालूम है। मैं एकदम बढ़िया, तू कैसी है? मैं भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आई एम सो हैप्पी कि तू हमारे साथ रहने आया। देख तो कुछ करे ना करे, मेरे साथ मस्ती तो जरूर करेगा। डन। कोई मस्ती वस्ती नहीं होगी, वो यहाँ पढ़ने आया है, उसे अपनी तरह मत बना देना। इसको इसकी ट्यूशन क्लास में छोड़ देना कल। शहर में नया आया ना बेचारा, गुम हो गया तो? माँ ये कहीं गुम नहीं होगा, घूमेगा तो मेरे साथ पूरा शहर। चल ठीक है, बाय बाय। अच्छा कुछ लगे तो कॉल कर लेना। ओके बाय। यहाँ पर कोई वैदेही शुक्ला नाम की स्टूडेंट है? वैदेही शुक्ला? वेट आई विल चेक। नहीं, यहाँ पे इस नाम की कोई भी स्टूडेंट एनरोल्ड नहीं है। ओके थैंक यू। हेलो मैम, यहाँ पे कोई वैदेही शुक्ला नाम की स्टूडेंट है? नो। ये तो आलिया भट्ट का नाम था ना उसकी रिसेंट फिल्म में? नहीं पता मैम, आप प्लीज देखिए ना एक बार। सॉरी यंग मैन, बट योर आलिया इज नॉट हियर। अरे आ गया बेटा, कैसा रहा पहला दिन तेरा? बहुत अच्छा बुआ। अरे वाह, शुरुआत अच्छी है तो आगे भी अच्छा ही होगा। जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरे फेवरेट राजमा चावल बनाए हैं। थैंक यू बुआ। चुप कर, चल जा सलोनी को भी ले आना। तेरे मामा ने दो बड़े अच्छे रिश्ते भेजे हैं तेरे लिए। माँ मैंने आपको कितनी बार कहा है मुझे नहीं करनी अभी शादी। क्यों नहीं करनी है तुझे शादी? इंजीनियरिंग का भूत सवार है तुझ पे, दोनों लड़के तैयार है तुझे शादी के बाद भी पढ़ाने के लिए। कर ले शादी, जिंदगी सुधर जाएगी तेरी। मैं अपनी जिंदगी खुद सुधार सकती हूँ, नहीं करनी मुझे शादी। माँ अच्छे खासे तो लड़के हैं, बुरी की आदत पड़ गई क्या? आपके इश्क की मदहोशी में डूबा है ये आलम, हाले दिल मेरा पूछो ना सनम। हाले दिल मेरा। I know कि तुम मुझसे नाराज हो, बट आई इवन नो कि तुम मुझे माफ कर दोगी। जैसे ही मिलोगी ना सब भूल जाओगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। अब कहाँ ढूंढूं तुम्हें? वी नीड टू स्टार्ट एवरीथिंग ऑल ओवर अगेन। आई लव यू, प्लीज जल्दी मिल जाओ ना।
चल बाय बाय। अच्छा ध्रुव। हाँ वो क्या है ना, मुझे तुझे एक बात बतानी है। हाँ बोलना। पहले तू प्रॉमिस कर कि तू किसी को नहीं बताएगा। हाँ नहीं बताऊंगा, तू बताएगी? पक्का? हाँ। अच्छा तो सुन, मेरा ना एक क्यूट सा, गुड लुकिंग सा, चार्मिंग सा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तू उससे मिले। आई मीन फैमिली से अगर कोई मिले तो अच्छा लगता है ना, तो तू उससे मिलेगा प्लीज? हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी तो मुझे जाना है, तो मैं बाद में मिलूँ, प्लान कर ले, मैं आ जाऊंगा। परफेक्ट, तो एक काम करते हैं, आज शाम को तू फ्री रहना ठीक है? आज शाम को 6 बजे के अराउंड अल्फा कैफेटेरिया, वहाँ मिलते हैं। ओके ठीक है। अच्छा और मैं अपनी स्कूटर यहीं खड़ी करके जा रही हूँ, ये चाबी है तू रख, मैं सिद्धार्थ के साथ चली जाऊंगी, वैसे भी वो मुझे पिक करने आने वाला है। ओके आज तेरी क्लास नहीं है? नहीं आज मेरी क्लासेस नहीं है, पर तेरी क्लासेस है ना, और तुझे लेट भी हो रहा होगा। ओके बाय बाय। एक्सक्यूज मी, तुम कल भी आए थे ना यहाँ? नहीं तो? यहाँ के तो स्टूडेंट हो नहीं तुम? नहीं वो एक्चुअली तुम कल आए थे किसी लड़की को ढूंढ रहे थे राइट? नहीं मैम। यस अभी निकलो यहाँ से। मैं वो एडमिशन का पूछने आया था। फोर्थ सेमेस्टर में तुम एडमिशन के लिए पूछने आए हो? नेक्स्ट ईयर मैम, अगले साल के एडमिशन के बारे में पूछने आया था। तो अगले साल आना ना, अभी जाओ नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। जाता हूँ मैम, इतना रूट बनने की जरूरत नहीं है। ओ शिट, ये अभी तक यहीं पर है। अरे ध्रुव कहाँ जा रहा है? अरे तू अभी भी यहीं पे? हाँ मुझे लगा कि चले गई, मैंने देखा नहीं एक्चुअली। वो टीचर क्लास में आए नहीं है, उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो आज नो क्लास, तो मैंने सोचा कि मैं घर चला जाऊं। नहीं घर क्यों जाऊंगा, मैंने सोचा यहीं कहीं वॉक कर लेता हूँ। लो सिद्धार्थ आ गया। बेबी 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 प्लीज मुझे मत मारना प्लीज। आई नो मैं लेट हो गया हूँ पर प्लीज मेरा खून मत करना प्लीज। पहले तुम खड़े हो, उठो उठो जल्दी उठो जल्दी उठो। अच्छा तो ये है मेरा क्यूट सा प्यारा सा भाई ध्रुव, तुमको बताया था ना मैंने इसके बारे में। हाय सिद्धार्थ। अच्छा वैसे आज इसकी क्लास कैंसिल हो गई है एंड ये सिटी में बिल्कुल न्यू है एंड वी आर द ओनली फ्रेंड्स ही हैज। सो ये हुई ना बात ब्रो, आज वैसे भी तेरी छुट्टी है तो चल आज मस्ती करने चलते हैं, और वैसे भी तू मेरा फ्यूचर साला होने वाला है। हां अच्छा ध्रुव तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो, आज हम तुम्हें कोटा के बेस्ट कैफेटेरियाज दिखाएंगे। नहीं यार तुम लोग जाओ। क्यों? तो ये तो क्लास भी नहीं है, तो चलना हमारे साथ, प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग जाओ ना यार, एंजॉय करो, मैं यहीं कहीं टाइम पास कर लेता हूँ। ओए जब मियां बीबी राजी तो क्यों मना कर रहा है काजी, आजा चल। अच्छा एक काम कर, तू स्कूटर लेके हमें फॉलो अप कर ले, तब तक मैं इसके साथ कार में। एक्चुअली मुझे चलानी नहीं आती। तो पहले क्यों नहीं बताया बुद्धू, कहाँ खोया था जब मैं तुझे कीज दे रही थी? तूने चांस ही नहीं दिया। फाइनली कोई तो मिला जो मेरी फीलिंग समझता है, चांस ही नहीं देती। हो गया अब तुम लोगों, अब चले चॉकलेट। हेलो हेलो मैडम, सिम कार्ड चाहिए क्या? अरे नहीं चाहिए सिम कार्ड, फोन रखिए। तुम लोग लकी हो यार, टू फाइंड लव। वो तो है। चल अब तू बता अपनी लव स्टोरी,
मेरी कोई लव स्टोरी नहीं है। कुछ भी ब्रो, मैं मान ही नहीं सकता। जरूर ये कुछ झूठ बोल रहा है। कोई तो है इसकी लाइफ में पक्का। बेबी एस दैट आशिक वाला लोग। हाँ हाँ है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। क्यों? वो नाराज है मुझसे। तो मना ले यार, टिप्स मैं दे दूंगा, बहुत एक्सपीरियंस है मुझे। इतना सिंपल नहीं है एक्चुअली। मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे दूर ले जाऊंगा, सबसे दूर, पर पूरा कर ही नहीं पाया। इसलिए वो मुझसे नाराज है। डूड, ये तो सीरियस लग रहा है। डिटेल में बता क्या हुआ। उसके डैड उसके साथ नहीं रहते, वो और उसकी मॉम अकेले रहते हैं, और उसकी मॉम थोड़ी वियर्ड है, बहुत अजीब सी थिंकिंग है। तो वो ना उसकी शादी किसी अमीर लड़के के साथ करवा देना चाहती है ताकि उनको भी सपोर्ट मिल जाए। पर वो चाहती क्या है? I mean, उसका नाम क्या है? सॉरी, वैदेही। हाय, कितना प्यारा नाम है ना? वैदेही शादी करना चाहती है कि नहीं? पहले वो अपने करियर में सेटल होना चाहती है और अपना फ्यूचर बनाना चाहती है। इसलिए तो मैंने उसे घर से भगाने का प्लान किया था ताकि हम दोनों साथ में ब्यूटीफुल फ्यूचर बना सकें। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, उसकी मॉम को सब पता चल गया और ओवरनाइट उन्होंने शहर छोड़ दिया। उसके बाद से आई हैवंट सीन हर। सलोनी, एक सीक्रेट बताओ। हाँ बताना। मैं ना यहाँ पे IIT के प्रिपरेशंस करने नहीं आया हूँ। क्या? मैं यहाँ वैदेही को ढूंढने आया हूँ। उसके फ्रेंड के फेसबुक के अकाउंट से पता चला वो इसी शहर में है। उसकी माँ ने तो मुझे हर जगह से ब्लॉक करवा दिया है। बस एक बार वो मिल जाए ना, उसे यहाँ से बहुत दूर लेके चला जाना चाहता हूँ। दैट्स इट। तो तूने मामा मामी को क्या बोला? यही कि मैं कोटा जा रहा हूँ। उन्होंने एक स्माइल दी और ब्लेसिंग्स। तुझे तो पता है ना, उनकी आपस में इतनी प्रॉब्लम्स है कि मेरे बारे में दे डोंट केयर। यू नो वॉट, वैदेही मेरी सोलमेट है। वो होता है ना 1 in a million लव, उस टाइप की। अब मॉम डैड को ही देख लो, शादी तो कर ली लेकिन सोलमेट नहीं बन पाए, इसलिए आज डाइवोर्स हो रहा है। पर वैदेही, शी इज माई सोलमेट, फर्स्ट एंड लास्ट लव। ब्रो तू तो इंस्पिरेशन है यार, इतना इंटेंस, इतना रोमांटिक। यार तेरी लव स्टोरी ना दिल को छू गई। मुझे पता है प्यार में कैसा फील होता है। बस अब हम तेरी हेल्प करें। तूने सच्चा प्यार किया है एंड दैट नेवर गोज वेस्ट। वैदेही को तो हम ढूंढ कर ही रहेंगे, और जब हम तीनों साथ मिलकर ढूंढेंगे तो कैसे नहीं मिलेगी, है ना बेबी? हाँ बिल्कुल भाई, हम तीनों मिलकर ढूंढेंगे और पक्का मिलेगी। So for love, cheers. 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 For Vedehi. कितना खून निकल रहा है, क्या करती रहती है? Relax माँ, छोटी सी चोट है। चुप कर तू, बहुत खून निकल रहा है। हाँ तो बंद भी हो जाएगा, इसमें क्या है? चल अभी डॉक्टर के पास, अगर ये खून बंद नहीं हुआ तो। कैसे बंद नहीं होगा? बोला ना छोटी सी चोट है, कोई बात नहीं। इसीलिए कहती हूँ कि शादी कर ले, पर तू है कि। ओहो माँ, अब ये टॉपिक इसमें कहाँ से आ गया? आप भी ना। अरे सुन तो, सुन मेरी बात। देख, अगर शादी कर लेती तो जो तेरा पति होता ना, तो वो सारे काम कर लेता, तुझे ये लड़कों वाले काम करने की जरूरत ना पड़ती। माँ आप हमेशा शादी को क्यों बीच में ले आती हो? देख ना, जब मैं IIT में सिलेक्ट हो जाऊंगी ना, फिर आप ही बाद में। बाद में क्या, क्या पता मैं जिंदा रहूंगी भी कि नहीं। वैसे भी सब कुछ तो खत्म हो गया है हमारा। So, हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है? यही कि वो कोटा में है और IIT की प्रिपरेशन कर रही है। क्या इन्फॉर्मेशन है? कोटा में IIT की प्रिपरेशन करना इज सो यूनिक। हाँ मैं जानता हूँ कि मेरे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट उसने तुझे कॉल करने की कोशिश नहीं की क्या? मैंने कहा था ना, उसकी मॉम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो अपने मॉम से बहुत डरती है, तो शायद इसलिए कॉल नहीं किया। अरे जैसा हो तुम अंधेरे से डरती हो,
हॉरर मूवी देखने के बाद टॉयलेट नहीं जाती। बेबी प्लीज मेरे साथ चलो ना। तुम कभी सोच के बात करते हो? ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ तो तेरे पास उसकी कोई ना कोई फोटो तो होगी ना? हाँ यार दिखाना, बहुत सुंदर होगी, तभी तो अपना हीरो इतना सेंटी हो गया। पर तुम लोगों की कोई साथ में फोटो नहीं है क्या? है ना, दिखा। ये तो ग्रुप फोटो है, साथ नहीं इसे भीड़ कहते हैं। साथ एज इन तुम लोगों की अकेले में नहीं है क्या कोई फोटो? वो थोड़ी शाय टाइप की है तो फोटोज नहीं खिंचवाती है। डूड तूने ना मेरे दिल की बात कह दी, ये स्मॉल टाउन गर्ल्स और उनके नखरे। फोटो मत क्लिक करो, क्लिक करिए तो अपलोड मत करो, मिलना है तो खंडर में आकर मिलो। इसीलिए तो ये है हमारा कैफे। सो ये है हमारा कैफे। अगर तुम लोगों का हो गया हो तो कोई हमें ये बताए कि ये मिस शर्मिली हमें मिलेगी कहाँ? सिंपल, वैदेही की फोटो वो थोड़ा ब्लो अप करके कोटा के हर एक कोचिंग सेंटर में चिपका देंगे विद अ स्वीट कैप्शन, ले वैदेही आ गया तेरा दीवाना। आह एक्चुअली मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, और वैसे भी उसकी मॉम को पता चल गया ना, फिर तो बस एक बार वो मिल जाए मैं उसे कहीं दूर लेके चला जाऊंगा। ब्रो किडनैप करेगा क्या? अरे नहीं नहीं, किडनैपिंग तो क्राइम है, मैं तो उसे भगा कर लेकर जाऊंगा, लाइक अ रनअवे ब्राइड। ओ माय गॉड बेबी, तुम्हारा भाई तो मुझसे ज्यादा फिल्मी निकला। आई लाइक इट। सो प्लान ये है कि कल हम कोटा के हर एक कोचिंग सेंटर में जाके वैदेही के बारे में इंक्वायर करेंगे। वाह क्या प्लान है, इतना जीनियस प्लान तो हमें आया ही नहीं। अरे बेबी इस प्लान की हीरोइन होगी तुम, क्योंकि अगर लड़के वैदेही के बारे में इंक्वायर करेंगे तो उन्हें स्टॉकर बोला जाएगा, बट अगर तुम जाओगी तो इट विल बी नॉर्मल। हाँ ये कर सकते हैं। और तुम अंदर जाकर अपना नाम ध्रुव, वैदेही की किसी फ्रेंड का नाम बता जिससे वो ज्यादा क्लोज ना हो। सबा। सबा ग्रेट, तो तुम अपना नाम बताना सबा। और कोई भी रैंडम कहानी बना देना कि तुम्हें वैदेही से मिलना है। इफ दे से यस ग्रेट, अगर मना करते हैं तो बोल देना कि तुम्हें उनका वॉशरूम यूज करना है। सो लेट्स गो। लेट्स गो। सारी क्लासेस चेक कर ली है, वैदे ही तो नहीं मिली, लेकिन मैंने हर जगह अपना नंबर छोड़ दिया है। अब क्या करे? अब सिर्फ वेट कर सकते हैं। सी अगर वो झूठ बोल रहे होंगे तो वैदे ही को तेरा नंबर जरूर देंगे और फिर वैदे ही तुझे कॉल करेगी। बिंगो, मिशन वैदे ही सक्सेसफुल। हाय क्या प्लान है? लेकिन अगर उसे सभा से बात ही नहीं करनी होगी तो? अरे ऐसा मत बोल भाई, मेरा होपलेस मेरा होपफुल दिल कहता है कि वो जरूर कॉल करेगी। ओके बी पॉजिटिव। हेलो, आज इंस्टीट्यूट में अभी एक लड़की आई थी सभा नाम की, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, कह रही थी अर्जेंटली तुमसे मिलना चाहती है। उसने अपना नंबर दिया है, वो कुछ टेंशन में लग रही थी, अगर जानती हो तो उससे कॉल कर लेना। हाँ प्लीज दीजिए ना। ओके थैंक यू सो मच, सी यू सून।
कैसी हो बिटिया? अच्छी हूँ अंकल। ये तुम ही हो ना? हाँ ये तुम ही हो। थैंक गॉड तुम मिल गई वैदेही। पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं, लेकिन अब बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ तुम। मैं आ गया हूं ना, अब तुम्हारी मम्मी तुम्हारी शादी कहीं नहीं करवाएगी। मैं तुम्हें यहां से बहुत दूर ले जाऊंगा वैदेही। कुछ बोलो ना वैदेही। वैदेही, हेलो, हेलो वैदेही, तुम हो? वैदेही फोन भी नहीं चुका। हेलो, कौन? आपके यहाँ से एक लड़की ने कॉल किया था, एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए। उसने अपना एड्रेस नहीं दिया मुझे। हाँ, मेरे पैसे देने भी भूल गई, पर कोई बात नहीं, हमारा और उसका हिसाब किताब चलता है। आप मुझे वहां का एड्रेस दे देंगे तो खाना भी वेस्ट नहीं होगा। लिखो। मैं हेल्प कर दूंगा वैदू। वैदेही मैं आ गया हूं। वैदू मैं आ गया हूं। आई लव यू वैदू। मैं तुम्हें सबसे बहुत दूर ले जाऊंगा वैदू। भाई तुम्हारा प्लान काम कर गया, वैदेही मिल गई। देखा मैं हूँ इतना स्मार्ट। अच्छा अब तेरा आगे का क्या प्लान है? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ हाँ, बस अब ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। मतलब मान गई वो? बस अभी वही बात करने जा रहा हूँ मैं। गुड गुड गुड, चोरी चोरी चुपके चुपके। हाँ मेरे रनअवे ब्राइड, मेरे रोमियो भाई, फाड़ देगा तू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच भाई। I love you, Vedu. मैं तुम्हें मैथ्स क्लास में भी हेल्प कर दूंगा। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। Vedu, तुम्हें मैं सबसे दूर लेके चला जाऊंगा। चलोगी ना मेरे साथ? हाँ चलोगी ना? वैदू
I love you. I love you, Vedu. Vedu, main aa gaya hoon. I love you, Vedu. तुम मुझे छोड़ के वापस तो नहीं जाओगी ना वेदू? मैं तुम्हें सबसे बहुत दूर ले जाऊंगा वेदू। माँ, माँ। वैदेही। वैदेही, 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 वैदेही। क्या हुआ तुझे? उठना। मेरी बात क्यों नहीं मानती हो वेदही? तुम्हें पता है मर्द के बगैर कितना मुश्किल होता है एक औरत का बिना डरे जीना। इसीलिए आज भी मैं ये मंगलसूत्र पहनती हूँ उनके देहांत के बाद भी, ताकि उनकी मौजूदगी का एहसास ही काफी हो बुरे लोगों को दूर रखने के लिए। तुम क्यों नहीं शादी कर लेती हो? मैम, रिसेप्शन पे आपको बुलाया है। कहा था ना मुझे छोड़ के मत जाना, अब देखो मेरे बिना तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। मैं सब ठीक कर दूंगा वैदेही। तुम ना बस ऐसे ही शांत रहना और मेरा साथ देती रहना। तुम्हें मैं बहुत दूर ले जाऊंगा, इन सबसे दूर, तुम्हारी फ्रेंड से, तुम्हारी माँ से। मैं आ गया हूँ ना, मैं ना सब ठीक कर दूंगा वैदेही। इसे कहाँ ले जा रहे हैं आप? जी मुझे डॉक्टर ने भेजा है, इनके ट्रीटमेंट के लिए दूसरे वार्ड में लेके जाना है। अच्छा चलिए मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं, आपको यहीं रुकने बोला है, हमारे सीनियर डॉक्टर यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें पेशेंट की हिस्ट्री और केस की रिपोर्ट के बारे में आपसे डिस्कस करना था। ठीक है आप ले जाइए, पर ये ठीक तो हो जाएगी ना? आप टेंशन मत लीजिए आंटी जी। बेहोश है। हाँ, इसके विकेट मॉम ने इसको पॉइजन पिलाने की कोशिश की है। और क्यों? क्योंकि वो पागल है,
और उसे हमारे प्लान के बारे में फिर से पता चल गया कि हम लोग भागने का प्लान बना रहे हैं। ओह शिट, सीरियसली? ये क्या हो रहा है? ये बेहोश क्यों है और इसने हॉस्पिटल के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? अरे बाबा, हॉस्पिटल चलाएंगे तो हॉस्पिटल के ही कपड़े पहनेगी ना। जीनियस। शट अप, ये अपने होश में नहीं है और ये अपनी मर्जी से भी यहाँ नहीं आई है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इसे किडनैप करके लाए हो और तुम इसे ऐसी हालत में यहाँ पे लेके कैसे आ सकते हो? नहीं नहीं, वहाँ पर उसकी माँ है और वो इसे मार देगी। क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि इसकी मॉम को पता चल गया था इनके प्लान के बारे में। वैदे की मॉम ने वैदे को पॉइजन पिला दिया। सीरियसली? ओह गॉड, ये सब कितना वियर्ड है। बेचारी। एक काम करो, तुम दोनों जाओ और उसके प्रिस्क्रिप्शन की पूरी दवाइयां ले आओ। मैं इसी के साथ यहीं पे रुका हूँ, प्लीज अब जल्दी जाओ। ओके। और अगर इसे होश नहीं आया तब हम इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी सर, तुम जाओ। तू भी जाना इसके साथ। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। She might need a girl when she wakes up. So you stay here, yeah. I'll go. कहाँ रह गया ये सिद्धार्थ? फोन भी नहीं लग रहा है और नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। यहाँ नेटवर्क नहीं रहता। तू एक काम करना, बाहर जाके देख, शायद नेटवर्क मिल जाए। हाँ मैं बाहर जाके देखती हूँ, तू इसका ख्याल रखना। पेशेंट कहाँ है? आप ही ने तो उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया था ना, किसी टेस्ट के लिए। टेस्ट? जी हाँ। मैंने? जी। मैंने तो कोई टेस्ट के लिए नहीं बोला था। एक्चुअली मैं तो उन्हें डिस्चार्ज करने आया था। शी जस्ट हैड अ स्ट्रेस अटैक और ग्लूकोज चढ़ा दिया था, तो वैसे भी होश में आ जाती। पर डॉक्टर साहब, वो एक वार्ड बॉय आया था और उसने कहा कि आपने कहीं वो आप टेंशन मत लीजिए आंटी जी। ठीक है, ले जाइए। आंटी जी नमस्ते। हेलो। हेलो सिद्धार्थ, कहाँ हो यार तुम? हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अरे मैं भी कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ? बेबी ये वैदेही की मेडिसिन कोई पॉइजन की मेडिसिन नहीं है, ये तो नॉर्मल विटामिन्स और स्ट्रेस की दवाइयां हैं। मतलब कि शायद ध्रुव हमसे कुछ छुपा रहा है। क्या छुपा रहा है? वो हमसे झूठ बोल रहा है कि वैदेही की मॉम ने उसे पॉइजन किया, लेकिन अगर सच में ऐसा है तो मतलब उसने जो बाकी की चीजें बताई है वो भी झूठ है। हो सकता है। ओह गॉड सिद्धार्थ, प्लीज तुम जल्दी आओ। शिट, हम उसको अकेला नहीं छोड़ सकते ध्रुव को, प्लीज तुम जल्दी आओ। हाँ मैं अभी आ। ओके। एक्चुअली ना वो थोड़ी शाय टाइप की है, तो फोटोज नहीं खिंचवाती है। ये ग्रुप फोटो थी तो मना नहीं कर पाए। ब्रो, किडनैप करेगा क्या? अरे यार नहीं नहीं, किडनैपिंग तो क्राइम है, मैं तो उसे भगा कर लेकर जाऊंगा, लाइक अ रनअवे ब्राइड। ध्रुव, ध्रुव, वैदेही। वैदू, वैदू तुम्हें होश आ गया? ध्रुव, ध्रुव तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ो। वैदू शांत, बिल्कुल शांत। आई नो तुम्हें हर्ट हो रहा है लेकिन सब ठीक हो जाएगा, पर थोड़ा रिलैक्स रहो ना, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। जाने दो मुझे। वैदू चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? हाँ। उठो, उठो। मुझे कर क्यों मुझे ऐसे बिहेव करने पे फोर्स कर रही हो? हाँ? I love you ना? मैं प्यार करता हूँ तुमसे। मुझे घर जाना है, मुझे घर। पर क्यों? तुम भी तो मुझसे प्यार करती थी ना? हाँ? नहीं ध्रुव, मैं तुमसे प्यार नहीं।
करती, ट्राई टू अंडरस्टैंड मुझे गर्ल। तू झूठ मत बोलो, तुम तुमने तो सब शुरू किया था। कैसे मुझे देख के स्माइल किया करती थी। रूप सड़ी के बहाने अपने घर बुलाया करती थी ना, पास आने की कोशिश करती थी लेकिन डरती थी उससे। लेकिन देखो मैंने कैसे सिग्नल पकड़ लिया। नहीं ध्रुव, मैंने तुम्हें कोई सिग्नल नहीं दी। मुझे तो बस मैच में हेल्प चाहिए थी तुम्हारी, क्योंकि तुम टॉपर थे। हाय, अब तुम्हें कितने मार्क्स मिले मैच में? वैसे ही डोंट टेल मी तुम इस बार भी टॉप कर रहे हो मैच में। ध्रुव देखो ना, मुझे तो कितने कम मार्क्स मिले हैं मैथ्स में, और मुझे कैसे भी प्रीबोर्ड्स पास करना है, तो मुझे पढ़ाओगे प्लीज? हाँ। दैट्स ग्रेट। अब तो ठीक है, कल का टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके ओके, थैंक यू। देखो तू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई नेवर वांट टू कम क्लोज टू यू एनीथिंग। तुमने ऑलरेडी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लिए मेरे लिए, तुम प्लीज मुझे छोड़ दो। अच्छा तुम मुझे प्यार करती हो ना, तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे ना? तुम घर जाने दो ना, प्लीज प्लीज ब्रो। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। आई लव यू वेदू, आई लव यू, और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और तुम भी जब मेरे साथ रहोगी ना, तुम मुझसे प्यार करने लगोगी वेदू। तुम लगता है मैं तुमसे प्यार करूंगी? हाँ। गलत लगता है तुम्हें, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। चुप चुप चुप, तुम ना मुझे अभी गुस्सा दिला रही हो, समझी? डोंट बी अ बैड गर्ल, मेरे साथ चलोगी ना? चलो। मुझे कोई बचा। बोल भैया। वो लड़का फिर से आ गया है, और वैद्य ही पता नहीं कहाँ है, वो उसे कहीं ले गया है। प्लीज कुछ कीजिए, वैद्य ही को ढूंढिए भैया। तू चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। एक्सक्यूज मी, हमें पुलिस को फोन करना होगा। रुकिए सर, देखिए हमारी फैमिली को इस झमेले में आप मत डालिए। सॉरी, ये हॉस्पिटल है, हमें रिपोर्ट करना होगा। सर आप समझ नहीं रहे, वो लड़का पहले भी ऐसे कर चुका है। किडनैप किया था उसने वैदेही का, पर उसने कुछ किया नहीं, और बाद में मिल गई थी वैदेही। आप प्लीज पुलिस में इन्फॉर्म ना करें, सर लड़की का सवाल है। अगर उसकी एक बार इज्जत चली गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा सर, और सर उससे कोई शादी नहीं करेगा। प्लीज सर समझिए आप, मैं कुछ करता हूँ सर, आप ये पुलिस के चक्कर में मत डालिए सर। पर भैया ये अजमेर नहीं है, ये कोटा है, यहाँ पर आप कैसे करेंगे? और हम लोग यहाँ किसी को जानते भी तो नहीं है। कुछ करता हूँ मैं, तो रोना बंद कर, मिल जाएगी हमारे बेटे। प्यार तो दीवाना होता है ना सलोनी, हाँ? और अपनी सोलमेट को लेके जाना कोई पागलपन थोड़ी ना। पर वो तेरे साथ नहीं आना चाहती। वो आएगी मेरे साथ, वो जरूर आएगी। मैं ना अपनी लव स्टोरी सच्ची बनाना चाहता हूँ, अपने पेरेंट्स की तरह नहीं, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा ना मैं करूंगा। ध्रुव ये परफेक्ट लव स्टोरी नहीं है, तो ऑब्सेशन इज रॉन्ग। ध्रुव छोड़ दे उसको, तू गलत कर रहा है। ध्रुव छोड़ ना उसको। सलोनी एक काम कर, फटाफट मेरी पॉकेट से गाड़ी की चाबी ले, और वैद्य को अपने साथ ले जाओ, जल्दी जाओ। चलो जल्दी जाओ वैद्य। तुम ठीक हो? प्लीज ये खोल दो जल्दी। चलो चलो जल्दी चलो वैद्य। वैद्य आप कौन है? मैं उसकी कजन हूँ। What? Listen, I'm sorry. मुझे कुछ नहीं पता था, और ध्रुव ने भी हमसे सब झूठ बोला।
उसने हमें बताया कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और उसे हमारी मदद चाहिए तुम्हें ढूंढने के लिए। सलोनी, एक सीक्रेट बताओ। हाँ बता ना। मैं यहाँ वैदेही को ढूंढने आया हूँ। और हमने भी इस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया, कुछ सोचा ही नहीं। तुम्हारे साइको स्टॉकर भाई ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम लोगों ने सोचा नहीं। यू हैव एनी आइडिया उसने अजमेर में मुझे कितना स्टॉक किया है और उसी की वजह से हमें अजमेर छोड़ना पड़ा रातों रात। सीरियसली ये सब हो गया और हमें लगा कि हम उसकी लव स्टोरी में हेल्प कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मुझे सीरियसली ये सब कुछ नहीं पता था। आई डोंट वांट योर सॉरी। तुम्हारी सॉरी कहने से तेरा वो एक साल वापस नहीं आ जाएगा। तो तुम इतनी डम कैसे हो सकती हो? आई नो कि वो मेरा भाई है, बट स्टिल ही शुड लर्न अ लेसन। आई थिंक वी शुड गो एंड फाइल अ कंप्लेंट। मुझे सिर्फ घर छोड़ दो बस। छोड़ दूंगी मैं तुमको घर, लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम भाग रही हो, तुम डर रही हो, और किससे और क्यों? किस स्टूपिड सोसाइटी में तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा और तुम्हारी फैमिली का नाम खराब हो जाएगा? ये सोसाइटी कहाँ थी जब ध्रुव तुम्हें किडनैप कर रहा था? कहाँ थी ये सोसाइटी जब तुम डर डर के अपनी जिंदगी जी रही थी? सीरियसली यार, तुम जैसी मॉडर्न लड़की कैसे सोच सकती है सोसाइटी के बारे में कि लोग क्या कहेंगे? यू नो वॉट, तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही ध्रुव जैसे लड़के हमेशा बच के निकल जाते हैं। Because they think that it's fine to stalk a girl or harass a girl. क्योंकि तुम जैसी लड़कियाँ डर जाती हैं। मैं डरती नहीं हूँ। But तो चलो अभी हम जाते हैं और पुलिस कंप्लेन करते हैं। I'm with you and I hope तुम्हारी मॉम भी वहाँ होंगी and वो तुम्हारा साथ देंगी and even मैं भी रहूँगी वहाँ पे तुम्हारा साथ देने के लिए and I know that your mom will understand and she has to, after all वो तुम्हारी मॉम है यार। I'm calling police और अगर तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही डरते डरते गुजारनी है तो कॉल कट कर देना। एंड इफ नॉट, एंड इफ यू वांट टू पुट एन एंड टू दिस, देन स्पीक अप। डिसीजन तुम्हारा है। हेलो मैम, मेरा नाम वैदेही शुक्ला है और मुझे एक स्टॉकर के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करनी है। ध्रुव को इस इंसिडेंट के बाद पुलिस कस्टडी में रखा गया, लेकिन वैदेही के लिए इतने बड़े केओस के बाद अपनी फैमिली को फेस करना इतना आसान नहीं था। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। शी फॉट विद हर फैमिली एंड कन्विंस देम कि उसका डिसीजन बिल्कुल सही था। वैदेही के मन में अभी भी वो डर कहीं ना कहीं था, लेकिन उसने उस डर को ओवरकम किया। दिन रात मेहनत करके फाइनली वैदेही ने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया और ध्रुव ने भी इवेंचुअली मेडिकल काउंसलिंग के लिए हाँ कर दी। उसने साइकेट्रिस्ट से बात करने के लिए हाँ कर दी है। ओके, एंड आफ्टर एन ईयर ही केम आउट क्लीन। आई कम फ्रॉम बरेली and you know like when you have these small towns you have these guys who are like dudes and they look at a girl who's studying in school or college or whatever and these group of boys like on bikes would come and chase me and I was just always scared to tell my family that you know these guys are chasing me or stalking me and I can't really go out. It was a very terrible phase because I was so young, you know. I had to lock myself in the house. Because sometimes you really get scared and you feel these people can do anything to you. And without you even realizing, one day they'll just come up or like take you away or do anything to you. I wish I shared these things with my family at that time. But you know, somehow there's a generation gap and you feel like they might not understand. But now I'm grown up and I feel I was a little stupid of not telling my family about it. Or being scared of these people because end of the day nobody can do anything if you are strong-headed and you know just because you're a girl or a woman that doesn't mean you're weak or anybody can take advantage of you. Kabhi tufaan hai, kabhi khamosh.
क्यों तू इतनी परेशान है ऐ जिंदगी।